जयपुरी लोहार पंचायत का कोरोना काल के बाद पहला सामूहिक विवाह आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में संपन्न हुआ। इस आयोजन में 37 जोड़े एक साथ विवाह सूत्र में बंधे सभी के निकाह की रस्म अदा कराई गई, जिसमें सभी ने कहा निकाह कबूल है। इंदौर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली विशेष तौर पर शामिल हुए। साथ ही सामूहिक विवाह आयोजन में समाज का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। इंदौर में एक साथ दूल्हे तैयार होकर बैठे हैं अपने निकाह की रस्म अदायगी के लिए। यह आयोजन जयपुरी लोहार समाज द्वारा कराया गया, जिसमें देश के गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के जोड़े इंदौर विवाह सूत्र में बंधे। इंदौर जयपुरी पंचायत के अध्यक्ष मोहम्मद रऊफ ठेकेदार ने बताया कि जयपुरी लोहार समाज में नियम है कि किसी की भी शादी तन्हा नहीं होगी, सामूहिक शादी समारोह में ही शादी करना होगी। आयोजन में समाज के अलीमा फिरोजा चौधरी ने दुल्हनों को ताकीद दी कि इस्लाम कैसे अपने माँ बाप की तरह अपने शौहर के माँ बाप मतलब दुल्हन के सास ससुर की खिदमत करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि घर जन्नत बन सकता है जब औरत घर के सभी लोगों को एक साथ लेकर चले। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने भी इस आयोजन में शामिल होकर सामूहिक विवाह की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन होते रहें जिससे फिजूल खर्ची बचे और दहेज की कुप्रथा भी दूर हो। ये जयपुरी लोहार समाज पंचायत की जानिब से यहाँ पर निकाह का प्रोग्राम ये रखा गया है। इसमें 6 इलाके के लोग शरीक हैं, जिसमें कसीर तादाद में लोग आते हैं और ये हर साल ये प्रोग्राम चलता रहता है। इसी तरह जितनी बच्ची होती है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों की निकाह यहाँ करें, और बहुत ही सहूलियत से यहाँ पर काम होता है। हमारे पास काफ़ी बड़ी टीम है, उसके बैनर हम ये सब काम करते हैं। और आने वाले जो हमारे एक सिस्टम भी है यहाँ समाज में पंचायत, उसके मार्फत हम लोग काफ़ी जो तकलीफें आती है उसका निदान करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि हमारी तरफ से कोई भी आने वाले मेहमानों को तकलीफ़ ना हो। खास करके यहाँ इंदौर में ये खूबी है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी टीम है और उस टीम को रख के हम लोग काम करते हैं और इस काम को अंजाम देते हैं। काफ़ी पैसे की भी बचत हो रही है और पैसे की बचत के साथ में एक इज्तिमा हो जाता है, जिससे तमाम बरादरी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गेट टुगेदर भी हो जाता है और कम खर्चे में बच्चियों का घर बच जाता है। तो कमेटी के लोगों को मैं मुबारकबाद ही दे सकता हूँ तो वो अपने कीमती वक्त निकाल कर और बच्चियों की खिदमत में लगे हुए हैं, उनकी शादियों को बसाने में, उनके घरों को बसाने में लगे हुए हैं, मुस्तैक हैं। सामूहिक विवाह आयोजन में समाज के मोबाइल ऐप की भी लॉन्चिंग हुई। इस मोबाइल ऐप में सामूहिक विवाह की शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर लोहार समाज के तमाम व्यापार व्यवसाय और समाज की तमाम जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। ऐप को लॉन्च करने से गुजरात से और हैदराबाद से ऐप के इंजीनियर इंदौर आए हुए थे। जो लोहार समाज है ये पूरे भारत में फैला हुआ है और भारत में विभिन्न राज्यों में बसा हुआ है, तो ये एक ख्याल हमको आया था कि हमारी जो बिरादरी है, हमारा जो समाज है, वो भारत में अलग अलग राज्यों में बसा हुआ है और अलग अलग राज्यों में रहने की वजह से सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट नहीं हो रही थी। तो हमने, पूरी बिरादरी ने सोच के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया। पिछले 3 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं और आज धीरे धीरे सब लोग उस पर जुड़ रहे हैं। हमारे लोहारों का एक सम्मेलन है जो इंदौर में सियाकत में हमेशा होता है, 3 साल से कोविड की वजह से नहीं हो रहा था, आज हो रहा है। हम लोग यहाँ पर एक नया काम कर रहे हैं सम्मेलन में, जो मुस्लिम समाज है, जो लोहार बिरादरी है, उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चों को एजुकेशन के महत्व बता रहे हैं, बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसको आज के टाइम में क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि हमको जानते हैं कि सब कुछ डिजिटल हो गया है, हमारे मोदी जी का भी यही संदेश है, डिजिटल है। आज काउंटर पर जाते हैं तो हर चीज़ हमको हमको करना